मध्य प्रदेश में चुनावी समर अपने चरम पर नजर आ रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है अब बहुत कम दिन बचे हैं, लिहाजा हर तरह के प्रचार प्रसार में सभी प्रत्याशी लगे हैं। इंदौर का ये एमजी रोड है, एमजी रोड पर मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें अमूमन पहले हम देखा करते थे कि हर गली मोहल्ले में इसी तरह के चुनाव के वक्त में पोस्टर और बैनर्स लगे रहते थे, लेकिन अब इन दिनों हम देखते हैं कि इन पोस्टर्स और बैनर्स की जो तादाद है वो काफी घट चुकी है। राजनीतिक दलों की तरफ से, प्रत्याशियों की ओर से डिमांड होती है, लेकिन वो डिमांड ये बताया जा रहा है कि काफी हद तक इन दिनों काफी कम हो चुकी है। देखिए तमाम तरह के यहाँ पे पोस्टर्स बैनर्स, यहाँ तक कि गले में डालने वाले जो हम कह सकते हैं पट्टे होते हैं, झंडे होते हैं, मफलर्स होते हैं, वो सब तमाम सामग्री यहाँ मौजूद होती है। इस सामग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो महंगाई का कितना असर पड़ता है इस सामग्री पर? सर महंगाई का दौर है, नजर आता है। भाई साहब दो मिनट फोन पर बात कर रहे हैं, मैं भाई साहब से चर्चा कर लूंगा। सर क्या बोल रहा है बिजनेस? हाँ फोन पर बात कर रहे हैं, तब तक मैं कुछ रेट्स पूछ लेता हूँ। भाई साहब ये बड़े जो झंडे हैं इनका क्या रेट पड़ता है? भैया बता दो रेट तो बता। छोटे साइज से आते हैं जी, वो आता है 10 रुपए का एक पड़ता है, उससे बड़ा साइज आता है 20 रुपए का, 20 रुपए उससे बड़ा आता है 30 रुपए का, 30 रुपए का। अच्छा इस तरीके से अलग अलग रेट्स रहते हैं, अलग अलग रेट। अच्छा मैं यहाँ कुछ टोपियाँ भी देख रहा हूँ, ये टोपियाँ भी चलती हैं इस तरह की? मतलब तमाम तरह की जो चीजें हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो सामग्री रहती है वो सामग्री इसी तरीके से यहाँ बेची जाती है। बिजनेस कैसा जा रहा है? ठंडा है? ठंडा अभी तो कोई अभी तो कोई ग्राहकी नहीं है। ग्राहकी नहीं है? हाँ कोई ग्राहकी नहीं है अभी तो। पहले ग्राहकी काफी हुआ करती थी पहले? हाँ पहले का समय बहुत था, और कुछ और ही था। भाई साहब फ्री हो गए तो भाई साहब से एक बार चर्चा कर ही लेता हूँ। भाई मैं बड़े भैया के साथ में उधर दुकान पे कर लेता हूँ, शायद भाई साहब को ऑर्डर मिला होगा बड़े दिनों बाद, तो कोशिश ये इसमें लगे हैं कि वो ऑर्डर पहले लिख ले। देखिए भाई हंस रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि हमने अक्सर मैं इसी बात को लगातार कह रहा हूँ कि यहाँ जिस तरीके से काम हो रहा है यहाँ अमूमन दुकानों के अंदर वो भीड़ नजर नहीं आ रही, जिस भीड़ का हम जिक्र करते थे कि जब चुनाव अपने चरम पर होता है तो इन दुकानों के अंदर भीड़ नजर आती है, लेकिन वो भीड़ अब नजर नहीं आती है क्योंकि चुनावी समर है और चुनावी समर में लगातार यहाँ ग्राहक भी पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है देखिए वो अलग अलग तरह की वो तस्वीरें इस शहर के अंदर हम देखते हैं कि ये तस्वीरें ऐसी होती है कि आमतौर पर झंडे बैनर हर जगह पर नजर आते थे, लेकिन अब वो दौर आ गया है कि शहर में ज्यादा नजर नहीं आते। सर बिल्कुल भी सर, अब तो पूरा मीडिया से प्रचार होने लग गया आजकल। मीडिया तो ये झंडे बैनर की कमी हो गई? बहुत सर बहुत, मतलब 10% भी बिजनेस। हम लोग तो क्या ऑर्डर पे सिंपल रखते हैं, ऑर्डर पे काम करते हैं सर। अच्छा पहले के मुकाबले अगर अपन देखें, अब शहर में देखते थे गली मोहल्लों के अंदर झंडे बैनर लगे रहते थे, लेकिन अब तो नजर नहीं आ रहे। अच्छा चुनाव की शक्ति बहुत है और बिना परमिशन को लगा नहीं सकता है, तो उसका इसका भी बड़ा कारण है, उसका एक बहुत बड़ा। तो दूसरा आजकल पार्टियां डायरेक्ट अपना उम्मीदवारों को सामान पहुंचा देती है, तो उस कारण हम लोगों की ग्राहकी बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी ग्राहकी अगर अपन पहले के कंपेयर करें तो कितना परसेंट का डिक्लाइन मानेंगे? 10% ही बोलने वाले आप, उससे भी कम हो गया। ठीक है चलो, भगवान की काम चल रहा है, भगवान के भरोसे काम है और क्या है, काम चल रहा है। देखिए हर दुकान पर मैं पहुंच रहा हूँ और हर जगह पर यही हालात है। महंगाई का असर पड़ा सर सभी चीजों का असर है। दूसरा मीडिया के कारण, मीडिया का सोशल मीडिया ने भी बहुत उससे प्रचार प्रसार हो रहा है। बार बार मीडिया मत बोला, ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस मीडिया ने ही सारा कैप्चर कर लिया, उसमें ज्यादा होने लग गया है प्रचार प्रसार उसके ऊपर। अपन उस पर उसकी बात कर रहे हैं तो ऐसी बात है नहीं, मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझ रहा हूँ। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है व्यापारी देखिए व्यापार करने बैठा है, जब वो व्यापार करता है तो पैसा इन्वेस्ट करता है और वो उसका इन्वेस्टमेंट जब नहीं निकलता है तो व्यापारी को तकलीफ होती है। लेकिन देखिए ट्रेंड बदलता जा रहा है, लगातार ट्रेंड बदल रहा है। भाई साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप पोस्टर बैनर्स पे बहुत ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, आगे भी दुकानें देखते हैं तस्वीरें देखते हैं तो अमूमन इसी तरह के हालात नजर आते हैं। और इसी तरह के हालात न सिर्फ इंदौर में बल्कि ये कहा जाए कि हर चुनावी जगह पर जहां चुनाव हो रहा है इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है वक्त बदला है, वक्त के साथ प्रचार के सब साधन और संसाधन दोनों बदले हैं, लेकिन व्यापारी इस बात का अब भी इंतजार करता है कि चुनाव का मौसम है तो कम से कम ग्राहक तो आ जाए। वीरेंद्र गायकवाड़ के साथ मैं थी अभिषेक, इंडिया न्यूज इंदौर।